हेलो एवरीवन, तो मैं आप लोग के लिए फिर से ब्लॉग पार्ट टू गोवा का लेके आ चुकी हूँ। और मैं अभी रिजॉर्ट पहुँची हूँ। गोवा का लॉन्ग जर्नी मेरा ख़त्म हो चुका है और मैं बैंगलोर से गोवा आ चुकी हूँ। और मैं अभी रिजॉर्ट में एंट्री भी कर चुकी हूँ। ये है अमृतारा का ऑरा रिजॉर्ट, जो कि 5-स्टार लग्जरियस आता है गोवा का, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। और मैं इसका रिव्यू तो नहीं दे रही हूँ, मैं अगर ये बता रही हूँ कि हाँ, बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है। अगर आप लोग गोवा जाने का सोच रहे हो तो इस रिजॉर्ट में स्टे कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे चेकिन काउंटर है, रिसेप्शनिस्ट एरिया है, यहाँ पे बैठे हुए हैं एंट्री करने के लिए। और बहुत ही सुंदर था रिजॉर्ट, ये बहुत ही ब्यूटीफुल था और बहुत ही लग्जरियस था। यहाँ का हर चीज़ बहुत ही सुंदर था, आप देख सकते हो ये कितना ही ब्यूटीफुल है। बहुत ही पसीना छूट गया, मतलब इतना ट्रैवल करके 12-13 घंटे, मतलब कार से आप बैंगलोर से गोवा, गोवा से बैंगलोर भी जाना है मुझे, वो भी एक टेंशन ही है। तो काफ़ी पहाड़ियों और वादियों को चीरते हुए मैं गोवा आई हूँ और यहाँ पे मज़े ले लूँगी, ढेर सारा एंजॉय करूँगी। और आप लोग मेरे ब्लॉग में यूँ बने रहना, क्योंकि ये रिज़ॉर्ट बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंने यहाँ क्या किया और क्या करने वाली हूँ आप लोग को सारा इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में दिखेगा। तो ये है यहाँ का स्विमिंग पूल, जो कि काफ़ी बहुत बड़ा था। और ये रिज़ॉर्ट भी बहुत बड़ा है, बहुत ही फैला हुआ है। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पीछे है, बहुत सारा है, मतलब इसका पार्ट एक और है अमृतारा का। अमृतारा ये नाम भी थोड़ा अजीब है, मुझे शुरू थोड़ा अजीब लगा था। और सारस बहुत ही मस्ती कर रहा था, वो तो कहीं भी जाता है दीवाना हो जाता है, क्योंकि उसे घर में फ्लैट में बंद रहता है और वो जब भी बाहर निकलता है बेचैन हो जाता है, इधर क्या है उधर क्या है। तो वो तो वैसे भी पूरा मज़े में है और उसकी मम्मा भी बहुत मज़े में है और पापा को तो छोड़ी दो। तो ये रिज़ॉर्ट काफ़ी सुंदर है, पूरा हरा वादियों से घिरा हुआ है। ऐसे गोवा तो है ही सुंदर, मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं यहाँ आ गई हूँ अपने रूम पे, अपने रिज़ॉर्ट वाले रूम पे, और ये है मेरा रूम। तो देख लो, है ना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। मैं एंट्री जब की थी तो मुझे लगा क्या है नहीं है, मतलब यहाँ पे था आप लोग, लॉकर था, टॉवल था, शावर टॉवल था, आप कुछ भी आपका जो भी महंगा सामान है, कॉस्टली सामान है, आप वहाँ रख सकते हो। और वॉशरूम तो बेडरूम की तरह था, मैंने फर्स्ट बार इतना बड़ा वॉशरूम देखा कि इतना बड़ा करने का ज़रूरत ही नहीं था, बट हाँ था, मेरे यूज़ के लिए बहुत था बट मैंने यूज़ हुआ नहीं। तो यहाँ पे सब कुछ था। और यहाँ पे मैं ब्लॉग कर रही थी और मैं मस्ती कर रही थी, फ़न कर रही थी, एंजॉय कर रही थी और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था, बहुत मैं एंजॉय कर रही थी। और सच में बहुत ही अच्छा रहा साइरस का बर्थडे। आप लोगों ने अच्छा, ये वो ब्लॉग अभी तक आया नहीं है एक्चुअली, मैं मुझे काफ़ी टाइम मिलता नहीं है। और ब्लॉगिंग करना तो ईजी हो जाता है बट एडिट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है मेरे लिए, टाइम निकाल के करना और आप लोग के लिए लाना बहुत ही मुश्किल जाता है। तो यहाँ पे कर्टेंस लगे हुए थे, बहुत हैवी था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, क्यों ना हो, बहुत ही सुंदर ये रिजॉर्ट जो था। यहाँ पे सब कुछ था, पानी था, टीवी था, कर्टेंस मोटे मोटे थे, बहुत सुंदर सुंदर थे। और यहाँ पे मतलब बच्चों के लिए भी था, किड्स रूम भी था और किड्स प्ले एरिया भी था, जो अमृता का दूसरा है वहाँ पे था। और यहाँ मैं फिर से मिरर के पास अपने आप को निहारते हुए, लॉकर था, कोई यूज़ नहीं था क्योंकि ट्रैवलिंग में कॉस्टली सामान तो ले जाना वर्जित है। और साइरस यहाँ लैम्प के साथ खेल रहा है और यहाँ पे दो चेयर्स रखे हुए थे ब्यूटीफुल्स, और उधर बालकनीज भी था और क्या था, लैम्प थे दो, मिरर थे, बहुत ही सुंदर विंडो था लगा हुआ और बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग जगह है ये। मतलब नीचे तो स्पा भी था, आप रिलैक्स हो सकते हो। तो मुझे ये काफ़ी सुंदर लगा और मैं थक चुकी थी, मुझे आराम करना था। एक दिन तो हम लोग को आराम करने में ही चला गया और 12-13 घंटे का रास्ता, मतलब आप समझ सकते हो गाड़ी से चला के जाना, बुरा हालत ख़राब हो जाता है। और ये था बाहर और मेरा ये 101 का रूम नंबर। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक छोटा सा गली था
और रूम काफ़ी बड़ा था, एसी भी लगा हुआ था, बट मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है तो मैं एसी का उतना यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे पति देव करते हैं। और बालकनी भी बहुत बड़ी थी और यहाँ पे एक चेयर रखा हुआ था और ये व्यू माय गॉड कितना सुंदर था और बहुत ही मज़ेदार था। आप यहाँ पे 1 वीक आराम से रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल घर जैसा फीलिंग आया मुझे। मुझे पहली बार ऐसा रिजॉर्ट में लगा जैसे कि मुझे घर जैसा फीलिंग आया। और यहाँ पे सर्विस भी बहुत अच्छी थी, यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे थे, बहुत केयरिंग और बहुत ही हेल्पफुल थे। सारिस के लिए वो मिल्क पहुँचा देते थे रूम में ही और वो पी लेता था, तो मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं अगर नेक्स्ट टाइम गोवा गई तो मैं इसी रिजॉर्ट में रुकूंगी। और सारिस जहाँ जाता है गिलास वो तोड़ देता है, तो उसके लिए मुझे गिलास हटवाना पड़ता है, इनको हटवाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये चेक कर रहे थे क्या है लॉकर में और सारस यहाँ मज़े कर रहा था इस रिज़ॉर्ट में। और रिज़ॉर्ट बहुत ही बड़ा था मैं जैसा कि बताई पहले, और ये ब्लॉग थोड़ा लंबा ना हो इसलिए मैं छोटा करके आप लोग को दिखा रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग फिर आएगा, आप लोग यूं ही मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करना। और रिज़ॉर्ट कैसा लगा कमेंट्स में बताना, है ना ब्यूटीफुल और लग्जरियस तो है ही, देखने में ही लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख गया इसके टीवी के नीचे, जो टीवी बड़ा सा लगा हुआ था उसके टेबल के नीचे क्या रखा हुआ था, खाने पीने का सामान था यहाँ पे। जैसा कि हमेशा कहीं भी जाओ तो होता है कि आप कुछ भी ले रहे हो एक्स्ट्रा तो उसका चार्ज लगता है, तो आप यहाँ से कुछ भी लोगे तो उसका चार्ज लगेगा। बियर वाइन यहाँ पे टी कॉफ़ी सब कुछ अरेंज था। आप ये तो मुझे ड्रेसिंग एरिया जैसा लग रहा था, मतलब कौन ही इतना ट्रैवलिंग में सामान लेके आएगा और यहाँ पे लॉकर में रखेगा और रूम में रखेगा। मुझे ये एरिया बहुत ही पसंद आया, मतलब लेकिन जब आप साथ में जा रहे हो किसी के और सामान ज़्यादा हो रहा है तो आप सामान इस जगह पे रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा जगह है, मतलब दरवाज़ा भी लगा हुआ है। फिर हम लोग नीचे आए सारस को घुमाने के लिए क्योंकि वो अंदर बहुत परेशान कर रहा था, तो वो सीढ़ी से उतरना उसे आ गया है, तो वो पापा के साथ उतर के नीचे जा रहा था। और साइरस तो बहुत ही इंजॉय कर रहा था, दौड़ रहा था, कूद रहा था और हम लोग को भी दौड़ा रहा था। और यहाँ पे वो अपना स्लीपर पहन के नहीं आया था, वो जब जो मैं स्लीपर उसके लिए लाई थी वो बिल्कुल पहन ही नहीं रहा था, और शायद उसे स्लीपर पहनना पसंद नहीं है तो उसका वहीं का पड़ा हुआ है वहाँ। यहाँ पे बहुत बड़े स्विमिंग पूल थे और यहाँ का दरवाज़ा भी बहुत पुराने ज़माने वाला फीलिंग करा रहा था। बहुत ही मतलब नए तरीके से ये रिज़ॉर्ट को डिज़ाइन किया गया है और कुछ कुछ ऐसा फीलिंग जैसा मानो कि मैं गांव में रहने आ गई हूँ। मतलब इस तरह का डिज़ाइन और फीलिंग कराना यहाँ पे टूरिस्ट लोग को बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छा है। मतलब ये रिज़ॉर्ट मैं तो बोलूँगी बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर हम लोग बाहर आ गए साइरस को घुमाने के लिए, साइरस को फिर हम लोगों ने सोचा कुछ समुद्र बीच पे जाने के लिए कुछ कपड़े ले लेते हैं सारिस के लिए, जो कि उसके लिए कंफर्टेबल हो। बाइक और बहुत ही घटिया कपड़े मिलते गोवा में, अच्छा हुआ मैं वहाँ लेके गई थी। साइरस के भी कपड़े थे बट वो जीन्स तो वेयर करेगा नहीं, तो मैं उसके लिए थोड़ा बहुत सोची थी ले लेते हैं। फिर मैंने यहाँ आई, मुझे उतना पसंद नहीं आया बट ठीक है, एक दिन पहनो फेंको बिगो फेंको वाला पेन के जैसा तो मैं यहाँ से ली और बहुत ही मज़ा आया। बाय गॉड इस रिज़ॉर्ट का मतलब बहुत ही अच्छा रिव्यू है, आप यकीन मानो अगर जाना चाहो तो आप जा सकते हो। और अच्छा लगा हो मेरा ये ब्लॉग तो लाइक सब्सक्राइब, और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।